देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय यादव। गौशालाएं प्रदेश की सरकारी प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं, मगर यहां जिले भर की गौशालाओं का बुरा हाल है। वहीं सांड क्षेत्र के अरंजहामी बनकट गौशाला में पल रहे पशुओं को खाने के लिए न हरा चारा है और न ही चूनी भूसी, केवल पशुओं को सूखा भूसा और पैरा दिया जा रहा है, वो भी खाना पूर्ति के रूप में। कई पशुओं को देखकर लगता है कि कई दिनों से भूखे हैं। पशुओं की हालात ठीक नहीं है, न जिला प्रशासन द्वारा किसी भी पशु का इलाज किया जा रहा है। गायों की दुर्दशा पर न जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है और न गौशाला संचालक ग्राम के प्रधान गया प्रसाद साहू। गोवंशों को यहाँ कैद जैसा करके रखा जाता है, चरने के लिए चरागाह की व्यवस्था भी नहीं है। कई पशुओं की बीमारी के चलते मौत भी हो चुकी है, इसके बाद भी गोवंशों की दशा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या नाम है आपका और ये गांव कौन सा? ये हमारा नाम है बाबू जी, और जो आरंज बनकट का जी, यहाँ जो बनकट का गांव है, एक परवा है और आरंज बड़ा गांव है। अच्छा, ये जो गौशाला खुला हुआ है यहाँ कितनी गाय हैं लगभग? यहाँ लगभग 20 गाय है। अच्छा, 20 गायों के लिए क्या क्या साधन उपलब्ध हैं खाने के लिए? खाने के लिए साहब केवल इनके यहाँ 30 रुपए के हिसाब से इनके केवल भूसा और वजह है, पैरा मिलत है खाएंगे या कुछ मालूम नहीं। केवल इनको सूखा भूसा खिलाया जाता है? हाँ। और उसमें कोई खली और किसी प्रकार का चोकर वगैरह नहीं? चोकर वोकर के यहाँ कोई नहीं साहब, 8 दिन तक नहीं आया। अच्छा, तो ऐसे तो काफ़ी गाय मतलब भूखी रह जाती होंगी और भूख से ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाती होंगी। तो अब तो साहब जो तो समझो कि जो कहीं मान लो कि अब वहीं तुमका मान लो नमक रोटी कैदी ना खाई जी, और जो का सब्जी मिली तो कैदी ना मान लो चला जी। हाँ, तो जो तो साहब समझ लो भाई वो ठीक है। कभी भी कोई चारा आरा नहीं आया कि केवल अभी ऐसा है? नहीं, चारा देखो इनके भूसा और पैरा मान लो इनके जितना मान लो खैया दिन रात महीना में इनका मान लो भूखे नहीं रहा है, पर खरी चुनी और दाना मान लो नहीं हुआ इनका। अच्छा, हाँ, केवल भूसा दिया जा रहा सूखा, मान लो इनका दाना मान लो चारा में है, इनका कोई पाई नहीं है चारा हमारे पर दानों मान लो। तो यहाँ जितने समय से गौशाला खुला, क्या एक भी गाय कुछ भी गाय खत्म हुई है? गाय तो मान लो अभी हिसाब के मोहताजी आदत की, ये मान लो ढीली हैं आदमी तो वो तो मरबे करिए। यहाँ तो काफ़ी गाय ऐसी लग रही कि उनकी हालत ही देखकर नहीं तो सही लग रही कि चलने फिरने में, तो क्या इनको कहीं ना कहीं भूख का कारण इनका है? नहीं तो भूख का कारण का जब जो जैसे मान लो ढीले नहीं आवार, जब उनके आदमी इनके ही वाले इनके दो खान दो खाने के बाद में यहाँ ढीले वही आदमी यहाँ के अनबे ही गए हैं, तो उनके यहाँ जब कौन सूखा चारा है तो उनका उन व्यवस्था हो रहा है।